आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में मानवाधिकारों का अनुपालन कर पाना असंभव है, तो फिर आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक समिति, श्रोतागण व मेरे प्रतियोगी साथियों, मैं राइफलमैन बलवान सिंह, असम राइफल, विषय के पक्ष में अपने विचार रखने जा रहा हूं। महोदय, जिन महान पुरुषों ने विषय चुना है बिल्कुल सत्य चुना है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मानवाधिकार तो वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी ताकतों का खतरा बढ़ जाता है, वहां शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवाधिकार आयोग अपनी आवाज वहीं उठाता है जहां हम सुरक्षा बलों के द्वारा कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती है, जिसका उदाहरण वर्ष 2000 से 2012 तक सिर्फ मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों पर 1528 फर्जी मुठभेड़ और न्यायिक हत्याओं के मामले दर्ज हुए। यदि सारे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2016 में पुलिस फायरिंग में 92 नागरिक मारे गए, 351 घायल हो गए, और उसी वर्ष लाठी चार्ज में 35 नागरिकों की मौत हो गई और 759 लोग घायल हो गए। मेरे काबिल साथियों, बहादुरी मारने में नहीं बल्कि बचाने में होती है, और यदि बम, बारूद और बंदूक के दम पर ही शांति स्थापित की जा सकती तो अब तक पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन नहीं मेरे साथियों, नहीं, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा और प्यास से जीता जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 4 वर्ष पुराने गृह युद्ध का अंत करने के पीछे केवल एक ही कारण बताया था। उन्होंने कहा था, आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स। अतः यदि दुश्मन को हथियार की बजाय प्यार से जीता जाए तो वहां दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और लोगों के दिलों में बदले की भावना भी नहीं रहती, क्योंकि असली जंग तो लोगों के दिलों में लड़ी जाती है, और लोगों के दिलों को मानव अधिकारों का हनन करके नहीं बल्कि मानव अधिकारों का सम्मान करके जीता जा सकता है। और जहां मानव अधिकारों का हनन होता है, वहां पर बदले की भावना से पान सिंह तोमर और फूलन देवी जैसी मासूम महिला को भी खतरनाक डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ता है। महोदय, अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिससे साबित हो